हेलो गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का साइंस फैकल्टी और सभी लोग का वेलकम करता हूं एसएससी एनआरआरबी एक्सप्रेस पे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा एमसीक्यू का सेशन चल रहा था जिसमें हमने क्या किया था कि दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे बेस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के 100 एमसीक्यूज के। ठीक है, तो आज उसका थर्ड पार्ट रहेगा जिसमें थर्ड पार्ट में हम आगे का डिस्कस करने वाले हैं जिसपे कि आगे के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहले देख रहे हो तो वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जा करके ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो बहुत बढ़िया। और सभी लोग को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। थोड़ा बहुत आ जाओ लाइव चैट में, फटाफट ऐड हो जाओ, नोटिफिकेशन गया सबके पास। ठीक है, फिर इसके बाद अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, आज एक बार और बता दूं कि जो नए बच्चे आएंगे या फर्स्ट टाइम देखेंगे ये, तो 1 to 25 एंड 25 to 50 दो पार्ट में वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चैनल पे जा करके वो वीडियोस वहां से देख सकते हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा आज 71 क्वेश्चन से हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं 71 to 75 तक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नीलू गुप्ता एंड प्रीति, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, चलिए तो धीरे धीरे सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ, प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा शेयर कर दो, फिर इसके बाद अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। और मैंने जैसे कि कहा कि आज की क्लास में कितने लेक्चर होने, मतलब सॉरी 71 to अपने 75 हम आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे अपने। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। आपके सामने आ रहा है थर्ड पार्ट है मिसलेनियस क्वेश्चंस का, जिसमें कि हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे आज फिजिक्स के। ठीक है, चलिए तो आपके सामने है 71 क्वेश्चन, सॉरी 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 51 to 75 तक 51 क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर सभी का आना चाहिए। रोशन मजोत्रा, हेलो सर, गुड इवनिंग, वेलकम रोशन। विकास श्रीवास्तव, वेलकम विकास। चलिए तो 51 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 51 से शुरू करेंगे कि द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के समान है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। पहला क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बी ऑप्शन क्या है मोमेंटम, सी क्या है टॉर्क है एंड डी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें आपको क्या पूछा है कि इम्पल्स के, है ना, आवेग के, इम्पल्स के इक्वल किसका आपका डायमेंशन, मतलब कि किसकी यूनिट इम्पल्स के यूनिट के इक्वल है। ठीक है, चलिए। शिवा साहू, गुड इवनिंग शिवा, एंड बिहारी, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे थोड़ा। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे फिर अपना स्टार्ट करेंगे क्लास को। ऑलराइट, ओके 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 ओके, सॉरी 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 गाइज, अभी तक आपका वीडियो ही ऑन था। ओके ओके, स्क्रीन पर अब आ जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा स्क्रीन पर अब आ जाएगा क्वेश्चन आपके। आई एम सो सॉरी गाइज, अभी आ गया, सभी को विजिबल है, सभी को विजिबल है कि डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के समान है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोमेंटम, टॉर्क एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। इम्पल्स क्या होता है, मैंने इम्पल्स बताया है, इम्पल्स होता है फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगाना, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जोर का फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगाना। ठीक है, तो ये होता है इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है इम्पल्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारा होता है न्यूटन में, न्यूटन में होता है, टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट इसके बराबर नहीं होगा। मोमेंटम का देखें, मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं। मास किस में होता है, किलोग्राम में, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है। न्यूटन मतलब फोर्स इक्वल, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, और मास किस में होता है किलोग्राम में, एक्सेलरेशन किस में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और एक सेकंड पहले से मल्टीप्लाई था तो एक सेकंड से एक सेकंड काट दो, क्या आया आपका केजी मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे देखो मोमेंटम कितना आ रहा है यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड, और इम्पल्स की कितनी आ रही है, केजी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉर्क नहीं होगा, भला घूण नहीं होगा। शिवा साहू, रोशन, विहारी, नेहा एंड नीलू, नहीं टॉर्क नहीं होगा ना। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f होता है, और इंपल्स क्या होता है f इंटू टी। तो देखो ना यहाँ पे दोनों जगह फोर्स है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है, r क्या है, r यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे t क्या है, ये टाइम है। तो देखो यहीं पे डिफरेंस है ना, तुरंत फॉर्मूले में ही डिफरेंस हो गया भला घूंढ के। तो टॉर्क नहीं होगा, मोमेंटम होगा। सभी को क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 51 क्वेश्चन हो गया, 52 का आंसर सभी का आना चाहिए। 52 क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 वाट आवर इक्वल्स टू, 1 वाट घंटा किसके बराबर है, 1 वाट आवर इक्वल्स, ये किसके बराबर होता है 1 वाट आवर। ठीक है, 1 वाट आवर किसकी यूनिट है, ये पावर की यूनिट है ना। किसकी 1 वाट आवर किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 3600 जूल के। किसके बराबर होता है, 3600 जूल के, या हम लोग कह लें 3.6 × 10³ जूल के, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो कहें 3.6 किलो जूल के। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, इस तरह भी दे सकता है 3.6 किलो जूल पे, 3.6 × 10³ जूल पे, या 3600 जूल पे। क्या होता है, 1 वाट आवर की वैल्यू इतनी होती है। 52 का सेकंड नहीं होगा साहू, ठीक है, सेकंड नहीं होगा 52 का, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रोशन एंड नीलू, वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मेरी बात को समझना तुम लोग ध्यान से, कि कभी अगर आपसे पूछ ले कैलोरी में, बोले 1 वाट आवर कैलोरीज में कितना होता है, ठीक है, कितना होता है कैलोरीज में, तो आपको कैलोरीज में जानना है कितना होता है, ये 0.860421 किलो कैलोरी। ठीक है, 0.86041, या आप 3 डिजिट तक याद रख लो 0.860, ठीक है, किलो कैलोरी, या आप लिख लो कितना 860.421 कैलोरी। ठीक है, ये भी आप याद रखना, 1 वाट आवर की वैल्यू, 1 वाट आवर की ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पूजा, गुड इवनिंग पूजा, वेलकम टू द क्लास। चलिए 53rd क्वेश्चन का सभी लोग का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट है। चलो गाइज, 53rd क्वेश्चन का आंसर करो, बढ़िया क्वेश्चन है। 53rd से अभी क्वेश्चन अच्छा हो गया है आपका। ठीक है, 53rd थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, मतलब आपको समझना पड़ेगा तभी आएगा आपका। ठीक है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, मान लो E1 मान लेता हूँ, कितनी हो रही है ये आपकी 300% इंक्रीज हो जा रही है। 300% आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है गाइज, इंक्रीज हो जा रही है। मतलब पहले अगर एनर्जी E1 थी तो अब एनर्जी कितनी हो गई, 3E1, 300% प्लस E1 कितनी हो गई, 4E1 हो गई आपकी एनर्जी। ठीक है, करंट पोजीशन पे 300% बढ़ाने पर, तो बोला है कि मोमेंटम विल इंक्रीज बाय उसका आपका तो उसके संवेग में कितनी वृद्धि आएगी, सॉरी यहाँ पे गति लिखा हुआ है, मोमेंटम में है ना, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, संवेग में, संवेग में कितनी वृद्धि आएगी, उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। 53 का 400 आंसर कर रहे हैं प्रीति, नहीं प्रीति 400 आंसर नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखिए कितना होगा, कि जैसे कि आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 12mv², सभी को इतना पता है। अगर इसमें मैं नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई करूं तो m² ऊपर हो जाएगा, नीचे m से डिवाइड कर दें, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो m × v सबको पता होता है, मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे अपॉन 2m हो गया, तो क्या आया फॉर्मूला, p² / 2m। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 300% इट्स, तो बॉडी का आप देखो यहाँ पे कि जो हमारा मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के, जो मोमेंटम है हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के। क्यों, क्योंकि बॉडी का मास तो कांस्टेंट है, बॉडी का जो मास है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो p² किसके प्रोपोर्शनल है, k के, तो आप लिख लो p1/p2 = √KI/K2, सिंपल सा। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपकी, E1 थी, अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी, अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी, 4E1 हो गई, तो यहाँ से कितना आया 1/2। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से आप देखो तो P2 की वैल्यू कितनी आ रही है, नया मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही है, P1, मतलब कि 2 टाइम्स हो गया मोमेंटम, 2 टाइम्स हो गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गई वैल्यू। पहले अगर मोमेंटम P1 था, अभी मोमेंटम कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ P1, तो कितना इंक्रीज हुआ P1, और P1 का कितना है 100%, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 150 नहीं होगा शिवा एंड पूजा। ठीक है, हाँ नीलू, वेरी गुड नीलू, 100% इज द करेक्ट आंसर। विकास श्रीवास्तव, नहीं विकास मेरे भाई, इतना नहीं होगा, बी नहीं होगा 150%। ठीक है, अगर आप इस तरह से करोगे कि यहाँ पे मोमेंटम प्रोपोर्शनल किसके है, यहाँ पे p² प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, तो क्या आएगा आपका, इस तरह से एक रिलेशन मिलेगा, यहाँ से एक रिलेशन में मिलेगा, मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू √ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 54th क्वेश्चन पे चलते हैं। 54th क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। 54th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 54th क्वेश्चन मैंने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करा चुके हैं। जिन लोगों ने लास्ट के अभी 50 क्वेश्चन तक की वीडियो देखी होंगी ना, उनको पता होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, या अपना गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और वहाँ से इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर किया जा सकता है। ऑलराइट, चलो वेरी गुड गाइज। और 54th क्वेश्चन सभी लोग आंसर देंगे फटाक से, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो थोड़ा गाइज, एंड शेयर कर दो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी। ठीक है, बोल रहा है कि हमारे अर्थ की सरफेस पे, हमारी अर्थ की सरफेस पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बोल रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स डबल ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स मास रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, अर्थ का मास चेंज है लेकिन रेडियस कितनी हो जा रही है, नई रेडियस कितनी हो जा रही है, 2 टाइम्स ऑफ पुरानी रेडियस, क्योंकि डायमीटर डबल हो रहा तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बिकम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये सभी को पता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। ये क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट, या अभी मास ऑफ अर्थ के बारे में बात करें तो मास ऑफ अर्थ। ये क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो नया जीवन कितना आएगा। अगर जीवन लिख लें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास में बोल रहा कोई चेंज नहीं आ रहा। रेडियस क्या हो जा रही है, 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ जी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जी बाई फोर बिल्कुल। 54th का बी ऑप्शन पूजा, वेरी गुड। ज्योति मौर्य, थैंक्स अलॉट ज्योति, इट मीन्स अलॉट टू मी। ठीक है, ज्योति बोल रही है सर आई सी योर एवरी मैथ्स लेक्चर, आई लाइक द वे यू टीच मैथ। थैंक्स अलॉट ज्योति। ठीक है, एंड प्लीज़ आप लोग सभी लोग जो मैथ्स की क्लास करते हो वेडनेसडे टू फ्राइडे, तो प्लीज़ वीडियो को और भी फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर किया करो। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ पाए हम लोग के साथ। ठीक है, चलो वेरी गुड। जिनका भी बी ऑप्शन आया है, G/4 उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख पा रहा हूँ बिहारी ने G/4 किया था, एंड प्रीति ने किया, एंड किसने किया, रोशन 2G नहीं होगा, रोशन एंड नीलू ने किया था बी ऑप्शन। चलो वेरी गुड। 55th क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 55th क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये एक डिफिनीशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, एक डेफिनीशन है, ये कुछ और क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सिंपल ये डेफिनीशन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v along a circular radius r, along a circle of radius r the acceleration of the particle is, particle का आपका त्वरण कितना है। ठीक है, सिंपल सा बोल रहा है कि एक क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है, क्या कर रहा है, वो r रेडियस पे, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो उसका पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो कितना होगा, v² अपॉन r होगा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, v² अपॉन r। ठीक है, और यही नेसेसरी कंडीशन होती है, किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का प्रेजेंट होना ही किसकी नेसेसरी कंडीशन होती है गाइस, सर्कुलर मोशन की लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, 0 नहीं होगा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड। तो बिहारी मेरे भाई, स्पीड अगर कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, और एक्सेलरेशन स्पीड पे नहीं निकलता। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, अपॉन टाइम ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में, वेलोसिटी थोड़ी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसका आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, v² अपॉन r सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सिंपल, उसी का बस यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डिफिनीशन दे करके। सभी को क्लियर है, चलो 55 हो गया। 56 क्वेश्चन पे आओ कि इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में क्या होता है। बेसिकली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में, देयर इज नो कंडक्शन बैंड, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी वाइड, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी नैरो, द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, कंडक्टर में क्या होता है, एक धातु में या एक कंडक्टर में क्या होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हमेशा ओवरलैप। बहुत बढ़िया बिहारी एंड ज्योति, बी नहीं होगा। ठीक है, ये वेरी वाइड, तो ये तो पता है बी ऑप्शन किस में होता है, ये होता है आपका इसमें क्या, प्लास्टिक्स में। ठीक है, प्लास्टिक या कह लो आप नॉन मेटल्स में, ठीक है, नॉन मेटल्स में ये कंडीशन होती है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप के बीच में है ना, फॉरबिडन एनर्जी, जैसे ये आपका नीचे होता है वैलेंस बैंड और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, इनके बीच का जो ये गैप है ना, इसी को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी को क्या कहते हैं गाइस, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वाइड होता है, किसके केस में, नॉन मेटल्स के केस में, और जो आपके मेटालॉइड्स हैं उनके बीच में बहुत कम गैप रह जाता है। मेटालॉइड्स मतलब कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके बीच में बहुत कम गैप रह जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन किसके लिए है? सी ऑप्शन आपका नॉन वो मेटालॉइड्स के लिए है कि द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी नैरो। एंड जो आपका कंडक्टर्स होते हैं ना, उसमें जो कंडक्शन बैंड है, वो कुछ इस तरह से वैलेंस बैंड के साथ क्या करता है? ओवरलैप कर जाता है। वैलेंस बैंड के साथ आपका कंडक्शन बैंड क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है। इसीलिए ये गुड कंडक्टर माना जाता है। मेटल्स को क्या बोला जाता है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मेटल्स, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर बिकॉज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या हो जाते हैं? आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। सभी को क्लियर है ये चीज़? तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ये किसके कंडीशन है? ये आपकी मेटालॉइड्स की कंडीशन है। सभी को क्लियर है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन जिसका भी आंसर है सभी का सही है। अनमोल मेरे भाई, सी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन मेटालॉइड्स के लिए है। ठीक है, कंडक्टर के लिए आपका डी ऑप्शन है। कंडक्टर यानी मेटल्स आप यहाँ पे समझेंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। पूजा, साहू, नीलू एंड बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप सभी लोग का। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना ज्योति, तो मोशन यूनिफॉर्म कब बोला जाता है? मोशन यूनिफॉर्म कब बोला जाता है? ज्योति को एक कंफ्यूजन है कि बट सर मोशन तो यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, इक्वल भी इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, उसका ये नहीं रिलेशन है कि यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रेवल करना, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी तो रहेगी। ठीक है, चलो वेरी गुड। जीरो क्या बोल रहे हैं? द वर्क डन बाय अ स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज, कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, बिल्कुल 57 का बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीरो होगा। कैसे होगा? कि जैसे सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम को अगर आपने इस एक पॉइंट पे ला करके छोड़ा, P1 पॉइंट पे, ठीक है, आपने इस पेंडुलम को यहाँ पर ला करके छोड़ा, लोला को, तो यहाँ पे ला करके छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा? पहले यहाँ पे आएगा अपनी मेन पोजीशन पे, फिर इस पॉइंट पे पहुँचेगा, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे पहुँचेगा और फिर क्या आएगा? फिर इधर आएगा और फिर इस पॉइंट पे पहुँचेगा। तब कंप्लीट क्या बोला जाएगा? वन ऑसिलेशन। ठीक है, तब क्या बोला जाएगा? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन होता है कार्य वर्क। तो यहाँ पे फोर्स तो हम लगा रहे हैं, लेकिन आप देखो ये पेंडुलम कहाँ गया? पेंडुलम यहाँ तक गया, फिर पेंडुलम कहाँ आया? वापस यहाँ तक आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना है? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है ना किन्हीं दो पॉइंटों के बीच। तो अब ये पॉइंट तो वही स्थान फिर से हो गया जब पेंडुलम वन ऑसिलेशन करके आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। जो हमारा किया गया कार्य है पेंडुलम के द्वारा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 57 सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करें, 58 क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए 58 क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए। एकदम फुद्दू सा इजी सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल राहुल कुमार, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा इसी वजह से। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिहारी एंड अनमोल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइज, इसीलिए जीरो होगा। ठीक है, चलो 58 में क्या है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच, दहलीज आवृत्ति वह आवृत्ति है जिसके नीचे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट इंक्रीजेज विथ वोल्टेज, फोटो करंट डिक्रीजेज विद वोल्टेज, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, फोटो करंट इज कांस्टेंट। मैंने बताया था कि कैथोड में, ठीक है, मैंने बोला था, क्या बोला था कि कैथोड में जब क्या होते हैं? फोटॉन्स, फोटॉन्स या आप कह लो लाइट, फोटॉन्स कह लो या आप कह लो लाइट, क्या होते हैं? जब फोटोन के पार्टिकल्स इसमें क्या जाते हैं? डाले जाते हैं किसी भी मेटल सरफेस पे, किसी भी मेटल सरफेस पे। ठीक है, तो इस मेटल सरफेस का एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन एक एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी इस मेटल को चाहिए, इस मेटल को मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी को वर्क फंक्शन बोला जाता है, ताकि जो इस मेटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इस मेटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ सके, वो इलेक्ट्रॉन क्या आ सके? बाहर आ सके इस मेटल से। ठीक है, तो वो मेटल का वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच, तो क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल नीलू एंड अनमोल एंड राहुल कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड विहारी, बहुत बढ़िया। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली किससे ज़्यादा होना चाहिए, उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, उस पर्टिकुलर मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच, अगर कोई फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे है तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। सभी को क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया, इतना बात सभी को क्लियर हो गया। चलो वेरी गुड गाइज, 58 क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए 59 क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली फाउंड इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आमतौर पर अधातुओं में पाया जाता है। ब्रिटलनेस, भंगुरता। बी ऑप्शन है कंडक्टिविटी, प्रवाहकत्व। या डी ऑप्शन है डक्टिलिटी, लचीलापन। या डी ऑप्शन मेलिएबिलिटी। क्या पाया जाता है नॉन मेटल्स में। ब्रिटलनेस, राहुल कुमार ने किया है ब्रिटलनेस, वेरी गुड राहुल, बहुत ही बढ़िया। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस मतलब कि भंगुर, भंगुर यानी कि मतलब आप उसको किस में चेंज कर सकते हो, क्रिस्टल्स में चेंज कर सकते हो, तोड़ के किस में चेंज कर सकते हो, क्रिस्टल्स में आप उसको चेंज कर सकते हो। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी तो नॉन मेटल्स में नहीं होती है, सबको पता है कि मेटल्स में कंडक्टिविटी होती है। डक्टाइल मतलब लचीलापन, है ना, कि वो कितना डक्टाइल है या कितना ईजिली बेंड हो जाता है, तो मेटल बहुत ईजिली बेंड हो जाता है, तो डक्टाइल। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि कैन बी चेंज इनटू सीट्स, है ना, उनको सीट्स के तौर पे बदला जा सकता है। जैसे लोहे को आपने देखा होगा पीट पीट के लोहे की चादर बनाई जाती है ना, तो वो लोहे की गुड मेलिएबिलिटी होने के कारण, लोहे की अच्छी मेलिएबिलिटी होने के कारण उसको चेंज इनटू सीट्स किया जा सकता है। लेकिन मेटल्स को नॉन मेटल्स को हम किस में, सीट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस, मतलब इसको तोड़ के आप क्रिस्टल्स के फॉर्म में कर सकते हो। ना ही इसमें कंडक्टिविटी होती है, ना ही डक्टिलिटी होती है, ना ही मेलिएबिलिटी होती है। तो बी सी डी तीनों ही ऑप्शन मेटल की प्रॉपर्टीज है, ना कि नॉन मेटल की। और ब्रिटलनेस किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। सभी को क्लियर है, वेरी गुड। 59 का ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सभी का। पूजा साहू, नीलू विहारी एंड राहुल कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइज। 60वां क्वेश्चन करेंगे। 60वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, हीट का ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, कि द वाटर फ्रॉम अ हैंड पंप इज वार्म इन विंटर बिकॉज। द वाटर फ्रॉम अ हैंड पंप इज वार्म इन विंटर बिकॉज। सर्दियों में हैंड पंप से पानी गर्म होता है क्योंकि। आवर बॉडी इज कोल्ड इन विंटर एंड द वाटर अपियर्स टू बी वार्म। द टेम्परेचर इन साइड द अर्थ इज हायर देन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। द पंपिंग प्रोसेस कॉजेज फ्रिक्शन विच वार्म्स अप द वाटर। इन साइड वाटर कम्स आउट एंड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। किया होगा, टेम्परेचर इन साइड द अर्थ इज हायर देन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, बिल्कुल वेरी गुड, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ बताने जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई विंटर के सीजन में क्या हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जो सन से आने वाली रेज हैं वो स्लेंटेड पड़ती हैं, डायरेक्टली नहीं पड़ती, स्लेंटेड पड़ती हैं, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और इनसाइड अर्थ क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अर्थ के अंदर क्या हो जाती है, अर्थ बेसिकली अंदर एक आग का गोला ही तो है, तो कहीं ना कहीं तो वो हीट जाएगी। तो अर्थ का अंदर क्या हो जाता है टेम्परेचर, अर्थ के, हमारे अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या आ जाता है, टेम्परेचर हाई रहता है ना। और जो हमारा अर्थ का बाहरी एटमॉस्फेयर है, जो हमारे अर्थ के ये बाहर वाला एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो कितना है, कम है। तो इसीलिए बेसिकली जो नीचे से आने वाला पानी है वो हमें गर्म महसूस होता है। सभी को सिंपल सी चीज़ है। 60वां क्वेश्चन तो एकदम ईजी था, 60वां। चलिए 61वां क्वेश्चन करेंगे, कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस टूवर्ड्स द ग्राउंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी मैक्सिमम। एक घर की छत से जमीन की ओर एक पत्थर गिरा है, पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, इसका आपको बताना है कि उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, ये पूछा है। कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, है ना, तुरंत जैसे ही आपने गिराया तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। या व्हेन इट इज जस्ट ऑन द हाफ वे, जब वो आधी दूरी में होगा। या जस्ट बिफोर इट टचेज द ग्राउंड, सी ऑप्शन। या व्हेन इट टचेज द ग्राउंड, किस कंडीशन पे ये होगा, किस कंडीशन पे होगा गाइज, ये सी ऑप्शन पे, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे अनमोल एंड नीलू ने किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइज। जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, मान लो यहाँ पे कोई पत्थर रखा था, ठीक है, तो अभी ये पत्थर की हाइट कितनी है, अभी बात को समझेंगे। यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगता है, कंसेप्ट लगता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली कंडीशन में जब ये रेस्ट पे था, h हाइट पे जब ये पत्थर रेस्ट पे था, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी? टोटल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी, इक्वल्स टू mgh के इक्वल थी। ठीक है, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में जब इसे नीचे फेंक दिया गया, जब इस पत्थर को नीचे फेंक दिया गया, तो पत्थर जैसे ही ज़मीन पे छूने वाला रहेगा, जैसे ही जस्ट वो ज़मीन पे छूने वाला रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। और क्या हो जाएगा? ये हाइट तो इसकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस होती चली जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी के। और दोनों ही जगह टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नीचे गिराने से, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी घटनी चाहिए नीचे गिरने से। मतलब टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पे होना चाहिए। यही कंडीशन है कि जब इतने ऊपर से आप कोई चीज़ नीचे गिराते हो, तो जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी होता कितना है? हाफ mv स्क्वायर। मास तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ही बड़ी होगी तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी को मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में समझ में आया? आप लोग को समझ में आती है जो चीज़ें मैं समझाता हूँ, क्या आपको, आपके तक वो जाती है? ठीक है, अगर आपके पास समझ में आती है तभी आप इस क्लास पे रुकोगे, है ना, कि मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप फिजिक्स का कंसेप्ट समझ रहे हो। ठीक है, याद मत करना, मैं सारी चीज़ें कंसेप्चुअली इसीलिए समझाता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो जब आपको समझ में आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्लियर है चीज़ें। ठीक है, चलिए 62वां क्वेश्चन आंसर करेंगे कि मेटल टीपॉट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज, है ना, धातु चाय के बर्तन में लकड़ी के हैंडल क्यों होते हैं? मेटल टीपॉट्स हैव वुडन हैंडल बिकॉज वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक्स, इट गिव्स ब्यूटी टू द पॉट्स, इट इज हाइजीनिक। डी, सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं है, सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं है आंसर। बिल्कुल, वुड इज अ बैड कंडक्टर, वेरी गुड गाइज, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सिंपल सा पता है ना, कि कोई भी टी पॉट है भाई, ये टी पॉट हमारा क्या है? ये हमारा मेटेलिक टी पॉट होता है, मेटल का होता है, और इसमें कोई हम जो हैंडल यूज़ करते हैं वो हैंडल किसका यूज़ करते हैं? लकड़ी का, है ना, हैंडल किसका यूज़ करते हैं? वुड का। क्यों? क्योंकि वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जो इसके एटम्स हैं, है ना, जो इसमें एटम्स हैं वो क्या है? काफ़ी दूर दूर हैं। एटम्स क्या हैं? काफ़ी डिस्टेंस में हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, उस कारण से हीट फ्लो ही नहीं हो पाता, हीट इसमें फ्लो ही नहीं हो पाता, इसीलिए वुड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है? वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सभी का आंसर करेक्ट है। ये तो मैं ऐसे ही डाल दिया था बस। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी के आपके एसएससी सीजीएल 2019 में ही ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2019 में, और ये हर बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन मैंने 50 बार पढ़ा भी चुका है, 50 बार इसके पीछे की कंसेप्ट भी बता चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या होगा? व्हाट प्राइमरी कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू सेकेंडरी कलर्स सियान एंड मैजेंटा। अगर सियान और मैजेंटा दो सेकेंडरी कलर्स को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? येलो, सियान और मैजेंटा, येलो प्लस सियान प्लस मैजेंटा, इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कलर्स बोला जाता है। और रेड और ग्रीन और ब्लू, RGB, इनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी कलर्स बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी कलर्स बोला जाता है। जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी नोट कर लेना, या तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर येलो, सियान और मैजेंटा कलर को मिलाया जाए, तीनों कलर को अभी कभी क्वेश्चन में मिला के पूछा जाए कि तीनों को मिला दे तो क्या बनता है? ब्लैक स्पॉट बनता है। क्या बनता है? ब्लैक स्पॉट बनता है। अगर कभी प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? वाइट स्पॉट बनता है। ठीक है, वाइट स्पॉट बनता है। अब देखना, आपको एक वेन डायग्राम बना करके मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको एक वेन डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को कैसे आपको हमेशा याद हो जाएगी, कैसे आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। जैसे कि ये वेन डायग्राम है, इसमें मैं लिख देता हूँ प्राइमरी कलर्स आपके रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, मैं अब एक दूसरे कलर से यहाँ पे डाल देता हूँ, ब्लैक कलर से, कि यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स क्या बनेंगे? रेड और ग्रीन मिलके बनाते हैं येलो, रेड और ग्रीन मिलके क्या बनाते हैं गाइज? येलो कलर बनाते हैं। और ब्लू और ग्रीन मिलके क्या बनाते हैं? सियान। क्या बनाते हैं? ब्लू और ग्रीन मिलके सियान कलर बनाते हैं। और रेड एंड ब्लू मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मैजेंटा कलर। ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैजेंटा कलर। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है, येलो और सियान को मिलाओ तो ग्रीन बनता है, मैजेंटा और सियान को मिलाओ तो ब्लू बनता है, और मैजेंटा और येलो को मिलाओ तो क्या बनता है, रेड बनता है। तो अब आप क्वेश्चन में बताओ अब आंसर क्या हो जाएगा, अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सियान और मैजेंटा, ये सियान मिला और ये मिला मैजेंटा, तो क्या बनेगा, ब्लू कलर बनेगा। क्या आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन ब्लू कलर बनेगा 63rd का। पूजा वेरी गुड, पूजा बहुत ही बढ़िया, एंड विशाल सरकार ने किया है ब्लू ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया बिहारी मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है और आपको याद रखना है कि प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर, सभी को क्लियर है। ये तो क्वेश्चन लेना सिर्फ बहाना था, मुझे आपको ये चीज़ पढ़ानी थी। ठीक है, मुझे आपको ये चीज़ पढ़ानी थी कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, और प्राइमरी, तीन प्राइमरी कलर्स को मिला के क्या बनता है, व्हाइट स्पॉट, और तीन सेकेंडरी कलर्स को मिला के क्या बनता है, ब्लैक स्पॉट। और ये आप वेन डायग्राम अपने पास बना लेना कॉपी में कहीं पर सुंदर से। तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन में कि तीन कलर को मिलाओ या किससे क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स हमेशा खत्म हो जाएगा इसी लेक्चर में, यहीं पे इसी स्लाइड पे मैंने इस चीज़ को एंड कर दी। ठीक है, तो इसको समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमेशा इसको रिवाइज करते रहना। सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। और अगर क्लियर है तो गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। ओके, शेयर जरूर किया करो यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और अच्छा लगे तो लाइक भी किया करो। ठीक है, चलो 64th क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाइट क्लोथ्स आर कूलर देन ब्लैक क्लोथ्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब ऑल द लाइट्स दैट रीचेस देम, रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट्स दैट रीचेस देम, विल नॉट अलाउ द लाइट टू पेनिट्रेट, कूल द सनलाइट कंप्लीटली। सफ़ेद कपड़े काले कपड़ों की तुलना में ठंडे होते हैं क्योंकि, क्या रीज़न है। ठीक है, वाइट क्लोथ्स क्यों कूलर होते हैं, व्हाइट रिफ्लेक्ट्स, बिल्कुल बी ऑप्शन, रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट्स दैट रीचेस देम। ठीक है, ब्लैक क्या करता है, जो आपका ब्लैक होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। अगर ब्लैक बोला जाए कि ब्लैक गर्म क्यों होता है तब ए ऑप्शन आंसर होता है, अगर पूछा जाता है ब्लैक गर्म क्यों है तब ए ऑप्शन आंसर होता कि एब्जॉर्ब, सारी लाइट ब्लैक एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि रिफ्लेक्ट्स मतलब व्हाइट क्लॉथ्स क्या है वो कूलर होते हैं, कूलर क्यों, क्योंकि जो उन पे पड़ने वाली लाइट की हीट है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो जब रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है। सभी को क्लियर है इतना, चलो बहुत बढ़िया। 64 तो इजी था। ठीक है, पूजा हिंदी में ऑप्शन इसमें देने लायक है क्या, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि अगर मैं हिंदी में ऑप्शन लिख दूंगा ना तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन फुल हो जाएगी। ठीक है, फिर मेरे को समझाने का स्पेस नहीं बचता, और मैं इसलिए भी हिंदी इस ऑप्शन में नहीं डाला ना कि इसमें सिंपल सी इंग्लिश थी, और अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आपकी इतनी इंग्लिश तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी इतनी इंग्लिश स्ट्रांग होगी कि आप तुरंत से ऑप्शन पढ़ लो। ठीक है, जिसमें ज़रूरी है मैं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड करूँगा, नो डाउट। ठीक है, जहाँ पे आपके वो चीज़ें आएंगी, जहाँ पे आपकी वो सारी चीज़ें आएंगी कि जहाँ पे आपको कोई फिजिक्स का पर्टिकुलर टर्म की बात होगी ना, वहाँ पे हिंदी ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, वहाँ पे हिंदी आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फिर मैं ज़बरदस्ती स्पेस नहीं फिल करता हूँ। ठीक है, कोई भी हिंदी वाला बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, चलो 65th क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स व्हेन केप्ट इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब 30 डिग्री के सेल्सियस पे कोई बॉडी को रखा गया है तो वो 60 डिग्री से 50 डिग्री तापमान पे आ जा रही है 10 मिनट पे। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स इस टेम्परेचर विल बी, एक वस्तु 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक 10 मिनट में ठंडा होती है, तो जब 30 डिग्री पर हवा में रखा जाता है अगले 10 मिनट में इसका तापमान कितना होगा। राहुल कुमार ए ऑप्शन नहीं होगा, राहुल मेरे भाई ए नहीं होगा, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ठीक है, पूजा ए नहीं होगा, पूजा क्या होगा आपका, एवव 40 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इसका आंसर, एवव 40 डिग्री सेल्सियस। और ये आया कहाँ से समझेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। कहाँ से आया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। उन्होंने क्या बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उन्होंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दिया, ये कैपिटल टी यहाँ पे टेम्परेचर है और स्मॉल टी टाइम है, ये क्या है टेम्परेचर है और स्मॉल टी क्या है टाइम है। ठीक है, उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने बताया, कितना बताया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उनकी इक्वेशन को, यहाँ पे क्या आया एक इक्वेशन आई। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, लेकिन इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन और समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये क्या है, ये है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर, उसके सराउंडिंग या उसके वातावरण का। उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब 60 डिग्री सेल्सियस रहा होगा और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी। 30 ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब कि रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब कि उस टेम्परेचर का घटना टाइम के साथ रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, वहां पे रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर घटता जाएगा ना, जैसे उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बाद में कितना हो गया 50 हो गया, बाद में कितना हो गया 50 हो गया, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था 30 था, तो अभी डिफरेंस कितना आया 20 आया, अभी डिफरेंस कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस का। तो अभी रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज क्या है, अभी लेस है, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज क्या है, लेस है, मतलब टेम्परेचर टाइम के साथ कम घट रहा है, टेम्परेचर टाइम के साथ कम घट रहा है। ठीक है, ये बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने। ठीक है, ये किसने बताया, ये बताया हमारे न्यूटन साहब ने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के तहत। ठीक है, कि जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा हीट में रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी, तो अगर उसको ठंडा किया जाएगा तो वो पहले टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरेगा और बाद में जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिरेगा। तो इसीलिए कि 60 से 50 आने पर अगर 10 मिनट लगा तो 50 से 40 आने में, मतलब 50 से 40 आने में 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, इसीलिए अगले 10 मिनट में एबव 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उस बॉडी का। ठीक है, सभी को क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। 66 क्वेश्चन पे चलते हैं, 65 हो गया। ठीक है, 65 पे आपको ये नहीं याद रखना है फॉर्मूला वगैरह, बस मैंने समझाने को बता दिया। बस ये समझना कि कोई बॉडी बहुत गर्म है ना, तो वो पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा तेज ठंडी होगी, बाद में धीरे धीरे ठंडी होगी। अगर इतना याद रखोगे तो ये क्वेश्चन हमेशा सही करोगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइज। 66 क्वेश्चन का आंसर कर दें सभी लोग, एंड प्लीज गाइज लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा। जो भी नए लोग हो ना, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। ठीक है, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लो जिससे नोटिफिकेशन आए तो मिल जाया करे। इफ द थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज इनफाइनाइट देन, ये भी हीट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की तापीय क्षमता अनंत हो तो हीट कैन नेवर बी एडेड टू इट, हीट कैन नेवर बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, या द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई एडिंग और एक्सट्रैक्टिंग एनी अमाउंट ऑफ हीट, या इट हैज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, क्या होगा इसका आंसर? यदि किसी वस्तु की तापीय क्षमता अनंत है तो सी ऑप्शन। वेरी गुड पूजा, राहुल एंड बिहारी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्पेसिफिक हीट या थर्मल हीट क्या होती है? अगर मैं बोलूं कि थर्मल हीट या स्पेसिफिक हीट, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस किसी भी बॉडी के तापमान को बढ़ाने के लिए उसको न्यूनतम दी गई ऊष्मा, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, थर्मल हीट या स्पेसिफिक हीट कहता है। लेकिन बोल रहा है कि किसी भी बॉडी की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ कि उसमें कितना भी उस बॉडी पे आप हीट डालते जाओ, कितना भी उस बॉडी पे आप हीट डालते जाओ, उस बॉडी का कभी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ही नहीं, उसका, उस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कभी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सी ऑप्शन आंसर होगा कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी अल्टर्ड, है ना, बाय एडिंग और एक्सट्रैक्टिंग एनी अमाउंट ऑफ हीट। उस बॉडी से कितना भी हीट निकालो या कितना भी हीट डालो, उसके टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आएगा अगर उसका थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। सभी को क्लियर है? चलो 67 क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप सभी को क्लियर है, और अगर क्लियर है तो प्लीज दबा दो लाइक की बटन। ठीक है, चलो 67 क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलिए 67 क्वेश्चन पे चलते हैं कि द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ इट इज। ठीक है, भौतिक संपर्क बनाए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में जानकारी एकत्र करने की तकनीक है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट कंट्रोल, रिमोट एक्सेसिंग या स्पेस शटल, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? बिल्कुल ए आंसर, रिमोट सेंसिंग। सभी को पता है रिमोट सेंसिंग, कोई भी आप कहते हो रडार वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, वो क्या होती है, सारी रिमोट सेंसिंग डिवाइसेज होती हैं, है ना, रिमोट सेंसिंग डिवाइसेज होती हैं कि किसी भी चीज़ को बिना छुए आप उस चीज़ के बारे में पता लगा लो, तो ये रिमोट सेंसिंग हो गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, फुद्दू सा, ठीक है। ये तो आई होप आप गेस करके भी लगा सकते हो कि रिमोट सेंसिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 68 क्वेश्चन पे, कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज, आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर या पायरोमीटर। कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी नापता है, ठीक है, आर्द्रता कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है? बहुत ही बढ़िया, हाइग्रोमीटर। सभी को पता है हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है राहुल एंड नीलू, हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। एनीमोमीटर क्या नापता है? एनीमोमीटर विंड की वेलोसिटी, है ना, विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, ठीक है, विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन नापता है, ठीक है, उसकी गति नापता है, स्पीड कह लो, या उसकी दिशा नापता है। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? ह्यूमिडिटी, सबको पता है। थर्मोमीटर क्या नापता है? टेम्परेचर, पता है। एंड पायरोमीटर क्या नापता है? टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि इस समय देख रहे होगे, सभी लोग को पता होगा कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि एक चेकिंग होती है, एक मशीन लिए रहते हैं जो हमारे माथे के थोड़ा सा दूर पे रख के, हमारे माथे से थोड़ा सा दूर पे रख करके हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेक होता है। तो बेसिकली वो डिवाइस क्या है, वो जो डिवाइस है वही पायरोमीटर है। जो डॉक्टर या जो भी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस का चेकअप चल रहा है ना, और टेम्परेचर चेक होता है कहाँ पे, आपका मॉल्स वगैरह में अगर आप जाओ या आप कभी एयरपोर्ट पर जाओ तो वहाँ पे वो डिवाइस यूज़ की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली पायरोमीटर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और पायरोमीटर एक और सबसे बड़ा यूज़ क्या है कि इसका जो, ये तो डिवाइस हो गई सिमिलर टू पायरोमीटर, ये डिवाइस सिमिलर टू पायरोमीटर हो गई। एक इसका सबसे बड़ा यूज़ कहाँ पे आता है? प्लैनेट्स वगैरह के टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। जो बड़ी डिवाइस यूज़ होती है पायरोमीटर की, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ हुआ जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है। चलिए 69 क्वेश्चन पे आंसर करते हैं, सभी लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है, या बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 69 क्वेश्चन पे चलेंगे कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे सुचालक कौन है, ठीक है। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो ये नो डाउट सिल्वर इज द करेक्ट ऑप्शन, नो डाउट सिल्वर इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तो मैंने भी पहले बताया है ना, सिल्वर, बिल्कुल सिल्वर करेक्ट आंसर है। जो कॉपर होता है ना वो 9%, ये भी याद रखना, 9% लेस कंडक्टिव, 9% लेस कंडक्टिव देन, 9% लेस कंडक्टिव देन सिल्वर, ठीक है। जो आपका कॉपर होता है 9% लेस कंडक्टिव देन सिल्वर होता है, ठीक है। आयरन की तो कंडक्टिविटी कम होती है कॉपर और एल्यूमिनियम से काफ़ी, और एल्यूमिनियम कितना होता है? 10% लेस कंडक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम कॉपर से भी 10% लेस कंडक्टिव होता है और कॉपर 9% लेस कंडक्टिव होता है सिल्वर से। और सिल्वर क्या है? मोस्ट कंडक्टिव, ठीक है, मोस्ट कंडक्टिव मेटल, मोस्ट कंडक्टिव मेटल क्या है आपका? सिल्वर है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं, ना कि सिल्वर वायर्स, क्योंकि सिल्वर वायर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा महंगी आती है। सभी को क्लियर है? चलो 70th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नहीं, गोल्ड की नहीं होती है बिहारी, गोल्ड की नहीं होती है, गोल्ड की कम होती है सिल्वर से, हल्का सा, है ना, स्लाइटली कम होती है गोल्ड की, सिल्वर की मैक्सिमम होती है। ऑलराइट, चलो ये नहीं कि गोल्ड और महंगा आता है तो गोल्ड की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, सिल्वर की मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है सिल्वर। और ऑलराइट, चलो 70th क्वेश्चन पे चलेंगे कि द एंगल इन विच अ क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज, द एंगल इन विच अ क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वह कोण जिसमें अधिकतम 36 दूरी तय करने के लिए क्रिकेट बॉल को हिट किया जाना चाहिए। मतलब कि आप यहाँ से कोई बॉल को हिट करते हो, ठीक है, अगर कोई क्रिकेट बॉल को हिट करते हो तो कितने थीटा एंगल से हिट करो कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जा पाए, क्या जा पाए? वो मैक्सिमम डिस्टेंस की दूरी कवर कर पाए, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाए। तो सबको पता है ये कितनी दूरी होती है? ये होती है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल। अगर थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ से किसी भी बॉल को आप हिट करोगे तो वो क्या करेगा? एक तो वो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, ये भी याद रखना, मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए भी 40 डिग्री का ही चाहिए, 45 डिग्री का, तो मैक्सिमम हाइट भी कवर करेगा और क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। सभी को क्लियर है? तो 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 71 क्वेश्चन सभी आंसर करेंगे कि द फॉलोइंग पार्टिकल्स मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम मोमेंटम। विच ऑफ देम हैज मैक्सिमम मोमेंटम। क्या बोल रहा है कि मान लो कि कुछ पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या है, सेम है। काइनेटिक एनर्जी सबकी सारे पार्टिकल्स की है ना, ऑल पार्टिकल्स की बोल रहा है, सारे जो भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है या कांस्टेंट बनी हुई है। विच ऑफ देम हैज मैक्सिमम मोमेंटम, ठीक है। ये जो चार पार्टिकल्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये चार ऑल पार्टिकल्स हैं। इनमें पूछा है कि अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम किसका मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का या अल्फा पार्टिकल का। इलेक्ट्रॉन, बिहारी इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं एंड नीलू कर रही हैं प्रोटॉन का। नहीं, बिल्कुल आप लोग गलत हो। यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया, मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या है, p² बटे 2m। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है मतलब हमारा p² किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से अगर देखें कि e कांस्टेंट है मतलब आप क्या लिख सकते हो, p² = 2me, और e कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से p² मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम प्रोपोर्शनल है हमारे मास के। मोमेंटम हमारे किसके प्रोपोर्शनल है, p² प्रोपोर्शनल है m के, या p प्रोपोर्शनल है √m के, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल क्या है, 2He4 ही तो है, ठीक है, हीलियम प्लस ही तो है, हीलियम 2+ को ही तो बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास हाईजेस्ट है, अल्फा पार्टिकल का क्या है, मास हाईजेस्ट है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल का अगर मास हाईजेस्ट है तो उसका मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा होगा। सभी को क्लियर हुआ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राहुल कुमार, बहुत बढ़िया राहुल, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे पहले किसी ने आंसर नहीं किया था। सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्वेश्चन में मज़ा आया, इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी और किसके बीच का, मोमेंटम के बीच का रिलेशन आपको याद रखना है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन आप सही करोगे, ठीक है, इस तरह के। सभी को क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सबको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का मास तो काफ़ी कम होता है, ठीक है। चलो 72nd क्वेश्चन पे चलेंगे कि सेफ्टी फ्यूज वायर यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज मेड ऑफ मेटल ऑफ लो रेजिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट या कंडक्टेंस, क्या होगा, ठीक है। सेफ्टी फ्यूज वायर्स यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार निम्न प्रतिरोध, गलनांक या विशिष्ट गुरुत्व या प्रवाहकत्व के धातु से बना होता है, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल हाँ, रेजिस्टेंस नहीं होगा राहुल, ए कहाँ से होगा, नहीं, रेजिस्टेंस तो वो तो मेटल ही है ना, रेजिस्टेंस क्यों होगा वहां पे, रेजिस्टेंस तो ठीक ही होगा ना, जितना होगा रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस क्यों होगा भैया, लो रेजिस्टेंस होगा तब तो और ज़्यादा करंट फ्लो करवा दोगे तुम लोग। मतलब अगर कभी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आया और वहाँ पे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या रहा, हाई रहा, तो इलेक्ट्रिक करंट और तेज़ी से फ्लो करवा दोगे तुम लोग, ठीक है, घर वर उड़ जाएगा पूरा, फ्रिज, टीवी वगैरह, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा, बी ऑप्शन, मेल्टिंग पॉइंट उसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा सबके घर में इस तरह का कुछ फ्यूज़ होता है, ठीक है, और उसमें ये वायर लगी होती है, फ्यूज़ वायर। तो बेसिकली ये ऐसे मेटल से बनी जाती है, ये बेसिकली एलॉय होता है, ठीक है, ये मिक्सर ऑफ मेटल्स होता है एलॉय, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या बहुत ज़्यादा वोल्टेज अचानक से फ्लो होता है, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज अचानक से फ्लो होता है ना, तो ये मेटल क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तुरंत से मेल्ट हो जाता है, और सर्किट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जो हमारी सर्किट है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और उस कारण से क्या हो जाती है, हमारी चीज़ें फ्यूज़ होने से, बल्ब फ्यूज़ होने से, आपके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल निक्रोम वायर से बस नहीं होता राहुल, और भी कई सारे इसमें मेटल्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। चलो तो मेल्टिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। निक्रोम वायर से पता है क्या बनाया जाता है, निक्रोम वायर से आपका बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है, ये नहीं बनाया जाता, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए मेल्टिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 73rd क्वेश्चन पे चलें, अभी 72 हो गया कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम और वेलोसिटी का स्लोप, ठीक है, इनका क्या स्लोप, इनकी ढलान या इनकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या स्पीड, त्वरण, विस्थापन, दूरी या गति, ठीक है। बताओ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसी भी चीज़ का क्या होता है, स्लोप होता है m, और स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट को लेकर के अगर हम निकालें, दो पॉइंट को लेकर के हम क्या करें, स्लोप निकालें। क्या ये v1 और ये इस पॉइंट की v2 वेलोसिटी, इस पॉइंट का t1 टाइम, इस पॉइंट का t2 टाइम। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा हमारा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल v, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन। क्या होगा आंसर, एक्सेलरेशन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राहुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, अगर ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो गई, सभी को समझ में आया। अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर एग्जाम में पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब विस्थापन और समय का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप, उसका स्लोप क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है m जो है वो क्या बताएगा, वो बताएगा वेलोसिटी, वो बताएगा वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, डेल d बाई डेल t, डेल डी बाई डेल टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएगा आपका क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है सभी लोग, और प्लीज शेयर कर दिया करो यार थोड़ा। 74वां क्वेश्चन, अ गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक टू एकोमोडेट फिल इन द ब्लैंक्स है ऑफ द मेटल। धातु के किस समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक के दो रेल के बीच का अंतर छोड़ा जाता है, एरियल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन या अपैरेंट एक्सपेंशन, क्षेत्र का विस्तार, आयतन विस्तार, रैखिक विस्तार या स्पष्ट विस्तार। नहीं रोशनी, क्लास टाइम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 5 बजे ही क्लास स्टार्ट हुआ था। चलिए 74वां क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि दो रेल की पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है। जैसे ये रेल ट्रैक्स है ना, ये रेल की पटरी है और इनके बीच में गैप क्यों इस तरह से छोड़ा जाता है। ठीक है, गैप इनके बीच का क्यों छोड़ा जाता है, बेसिकली क्यों छोड़ा जाता है, जब गर्मी होती है, ठीक है, जब बहुत हीट होती है तो क्या होता है कि ये रेल की पटरियां क्या होती हैं, मेल्ट होती हैं। क्या होती हैं, पिघलती हैं। तो मेल्ट होने पर ये क्या होती हैं, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती हैं। ये रेल की पटरी क्या होती हैं, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे इन पर ट्रेन चलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट आता है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये रेल की पटरी क्या रहती है, एकदम तपी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और इनके पीछे क्या होती है, ऊपर से रेल गुजरती है। ठीक है, तो ये पटरियाँ किसके आगे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, आगे की तरफ मूव करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। इसीलिए इनके बीच क्या किया जाता है, गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि वो बाद में हीट बहुत ज़्यादा होने के बाद भी जब उनके ऊपर से ट्रेन निकले तो वो एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप ना कर पाएं। ठीक है, ओवरलैप ना कर पाएं, क्योंकि अगर ओवरलैप कर गए तो ट्रेन की वहाँ पे पलट सकती है। ठीक है, वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, टू प्रोवाइड लीनियर एक्सपेंशन देयर इज अ गैप बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। सभी को समझ में आया। तो रैखिक विस्तार को करने के लिए, मतलब रैखिक विस्तार हो पाए उसके लिए वहाँ पे गैप छोड़ा जाता है। सभी लोग को ये चीज़ याद रखना है। ऑलराइट, चलो 75 क्वेश्चन चलेंगे अपने। 75 क्वेश्चन में कि इफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड टू डबल इट्स लेंथ एंड एरिया इज हाफ इट रेजिस्टेंस विल बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि इसकी लंबाई को दोगुना करने के लिए एक तांबे के तार को बढ़ाया जाता है, ठीक है, और उसके क्षेत्र को आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तांबे के छात्र को दोगुना बढ़ाया जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, याद रखेंगे कि लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया जाता है और उसके एरिया को हाफ कर दिया जाता है, एरिया को आधा कर दिया जाता है। तो बोला रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL अपॉन ए। रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी है मटेरियल की। क्या है, ये रेजिस्टिविटी है, मतलब कांस्टेंट है उस मटेरियल का। ये तो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर हर मटेरियल का। ये क्या होता है, लेंथ होता है। ρL बाई ए में ये क्या है, लेंथ, और ये क्या होता है, एरिया होता है। तो लेंथ बोल रहे हैं कितना हो गया, लेंथ हो गई 2 टाइम्स, ठीक है, तो 2 ρL हो गई। एरिया कितनी हो गई, 1/2 टाइम्स हो गई, 1/2 टाइम्स एरिया हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ρL अपॉन ए, रजिस्टेंस R1, नया रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिहारी, ρL बाई ए, बहुत बढ़िया गाइज। ठीक है, 4, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आज आपकी क्लास ये खत्म होती है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आज की क्लास में खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस आपके। और कल जो अपन डिस्कस करेंगे, आप कहाँ से डिस्कस करेंगे, 76 to 100। तो चार पार्ट में आपके बेस्ट फिजिक्स के 100 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बायोलॉजी या केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, आप जो बोलो। अगर आप कहोगे बायोलॉजी तो बायोलॉजी शुरू कर लेंगे, बेस्ट 100 या 200 MCQs या केमिस्ट्री के। ठीक है, चलिए, तो मज़ा आया सबके साथ क्लास करने में। और प्लीज़ गाइज, वीडियो अभी तक बने हो साथ में तो शेयर जरूर करना, लाइक ज़रूर करना दोस्तों के साथ। ठीक है, और बताओ कि यहाँ पे ऑलिव बोर्ड पे क्लास चलती है SSC की। ठीक है, चलिए, थैंक्स अलॉट गाइज, वेरी गुड। बिहारी, वेलकम टू द क्लास। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मंडे ट्यूसडे 2 दिन आपकी साइंस की होती है, और सबको पता है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्या होती है, मैथ्स की। और मिक्सचर एलिगेशन वेडनेसडे से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो क्लास में कल मिलेंगे 76 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, और कल क्लास ये खत्म करेंगे। ऑलराइट, सभी लोग प्रेजेंट रहना शाम के 5 बजे। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हे विद्वानों, आईबीपीएस पीयू प्रीलिम्स 2019 में पूरे 20 क्वेश्चंस और एसबीआई पीयू मेंस 2019 में पूरे 28 क्वेश्चंस केवल सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टॉपिक के थे। इसका मतलब ये हुआ, प्रीलिम्स हो या मेंस, एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स टॉपिक के आते ही हैं। आपका कोई भी बैंक एग्जाम तब तक क्लियर नहीं होता जब तक आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स टॉपिक में महारथी हासिल नहीं कर रहे। इसलिए मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पर एक स्पेशल बैच, जिसमें हम कवर करेंगे प्रीलिम्स या मेंस, नए या पुराने, सारे टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको इस बैच के बाद कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मेरे से इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप की पजल्स नहीं बनती। इसका मतलब अब सिलेक्शन पक्का। अब इंतजार किस बात का, ज्वाइन ऑलिव बोर्ड एज नाउ। दिस थिंग, फाइनेंशियल मार्केट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक बैंक एग्जामिनेशन के, इंक्लूडिंग RBI से भी ऑल्सो। फाइनेंशियल मार्केट को कवर करने के लिए मैं आ रहा हूं अपने कोर्स के साथ, दैट इज कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट, ऑन 11th of May, मंडे। इन दिस टॉपिक वी विल कवर ईच एंड एवरी सेक्शन, लाइक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, हर एक एरिया को हम कवर करेंगे, फ्यूचर मार्केट को कवर करेंगे, एंड द MCQs बेस्ड ऑन दैम। So we will be able to cover each and upcoming examination in which this particular topic is important. To access this course, join Olive Board Edge, one plan, all courses.